हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने ले जा रहा हूँ, मतलब कन्वर्शनल यूपीएस एंड मॉडल यूपीएस, मतलब क्या बोल के हम लोग डिस्कस करने ले जा रहा हूँ। मतलब मैं तो बेसिक में हम लोग कैसे, मतलब इसका मतलब क्या, यूपीएस मतलब कन्वर्शनल यूपीएस मतलब क्या है, मॉडल यूपीएस मतलब क्या है बोल के हम लोग डिस्कस करने ले जा रहा हूँ। सो उसका पहले अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग एक गोली लाने से आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, चलेंगे। तो आप लोग को सभी लोग को जो देखा होगा कन्वर्शनल यूपीएस मतलब क्या बोल के आप लोग को सभी लोग को मालूम है, सभी लोग को मालूम है, ठीक है। जो जो मॉडलर मतलब कन्वर्शनल यूपीएस जो कैसे रहेगा, अभी आप आपका जो घर पे एक बीरो जो आपका बस रहेगा ना, जो ऐसा वाला एक क्या है रेक्टेंगुलर शेप में जो वो यूपीएस रहेगा, उसी में क्या है, अभी मान लीजिए वो 1000 KV के यूपीएस बोल के मान लीजिए, उसमें उसका अंदर जो कॉम्पोनेंट है सभी जो 1000 KV का जो डिलीवरी करने के लिए सब कुछ बना होगा, मतलब रेक्टिफायर सेक्शन, फिर इन्वर्टर सेक्शन, फिर बैटरी को जो जोड़ने के लिए सब कुछ क्या है, जो 1000 KV का कॉम्पोनेंट जो उसमें अंदर रहेगा, उसी में कोई भी एक प्रॉब्लम आए हो तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका यूपीएस को डाउन करके उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, वो तो कन्वर्शनल यूपीएस में वही प्रॉब्लम है। और नहीं तो वो यूपीएस का जो लोड को दूसरा यूपीएस को जो ट्रांसफर करके फिर डाउन करके फिर आप तो रेक्टिफाई करना चाहिए कन्वर्शनल यूपीएस में, जो कन्वर्शनल यूपीएस जो बॉक्स टाइप रहेगा उसका कॉम्पोनेंट जो उसका कैपेसिटी का जो हिसाब से जो बना होगा वो आप लोग को उसमें कुछ प्रॉब्लम लगने से उसको हाथ रख के ठीक करने के लिए आप लोग को बंद करना पड़ेगा, जो कन्वर्शनल यूपीएस में ये प्रॉब्लम है। मतलब ये कन्वर्शनल यूपीएस मतलब वही, ठीक है, मतलब मॉडल यूपीएस में जो कैसे है वही ऐसा जो रेक्टेंगुलर शेप में जो आपका यूपीएस रहेगा, लेकिन 1000 KVA का जो यूपीएस में बोल रहा हूँ ना उसी में क्या करता है, छोटा 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 पावर मॉडल उसका अंदर रहेगा। आपका जो ड्राव है ना, जो ड्राव को जो खोलता है ना, जो ऐसा वाला पावर मॉडल आप लोग को जो अभी मान लीजिए वो पूरा एक बीरो है उसमें जो ड्राव को जो खोलता है ना ऐसा वाला सभी रैक 10 रैक नहीं तो 15 रैक मान लीजिए 1000 KVA है, 1000 KVA में आप मान लीजिए पावर मॉडल एक एक 100 KVA बोल के मान लीजिए, फिर कितना रहेगा 10 पावर मॉडल रहेगा, 10 पावर मॉडल को आप लोग को बार को खींच के मतलब फ्लग आउट करके फ्लग इन कर सकता है, ठीक है। वो अभी मान लीजिए अभी 10 पावर मॉडल है मतलब 1000 KVA है, एक पावर मॉडल में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो क्या कर सकते हैं आप, उसको जो फ्लग आउट करके बाहर लेकर के रख के जो ठीक करके फिर लगा सकता है, ठीक है। इसका पावर पावर मॉडल का पूरा 10 का 10 जो प्रॉब्लम जो आने का बहुत चांसेस कुछ बिल्कुल नहीं है, वो चांसेस तो नहीं आएगा, आएगा तो एक एक पावर मॉडल में आएगा, वही पावर मॉडल को बाहर निकाल के ठीक करके आप लगा सकते हैं। ये तो मॉडल यूपीएस में मॉडल यूपीएस का एडवांटेज यही है, मतलब कन्वर्शनल यूपीएस में क्या है कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप बंद करके जो करना पड़ेगा, लेकिन जो मॉडल यूपीएस में ऐसा तो नहीं है, कौन सा जो कॉम्पोनेंट कौन सा जो मॉडल जो प्रॉब्लम है वही मॉडल को बाहर निकाल के आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको कन्वर्शनल यूपीएस फिर मॉडल यूपीएस का कुछ आपको कुछ आइडिया मिला हुआ लगता है, मैं तो बेसिक ही मैं बोलता हूँ, मतलब क्या बोल के बोलता हूँ, मैं तो टेक्निकल में मैं तो डिस्कस नहीं किया, जो हम लोग को डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में हम लोग को डिस्कस करते रहेंगे। आपको इसका बारे में कुछ डाउट रहने से नहीं तो आपको इसी में कुछ कुछ ना कुछ आप लोगों को डिस्कस करने के लिए आप लोग को मन है बोल के आपको रहने से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सभी आदमी लोग को जो वीडियो देखता है लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता, जो कमेंट कीजिए, कमेंट करने से आप लोग का भी क्या है क्वेश्चन पूछने से मतलब क्वेश्चन पूछने से आप लोग का भी नॉलेज थोड़ा बढ़ते रहेगा, फिर जो एक्सप्लेन करने से मेरा नॉलेज भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को कुछ ये वीडियो अच्छा लगने से लाइक कीजिए, डाउट रहने से कमेंट कीजिए, आपको फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।